माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट है कि भारत सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, महिलाओं, वीकर सेक्शन, अनुसूचित जाति, जब कहने का मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके प्रति विशेष ध्यान दे रही है, उसी में महिलाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्नकर्ता माननीय महिलाओं के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसके बहाने आज माननीय संसद को बताया जा सकता है कि हम महिलाओं के उत्थान में खास करके जो MSME हमारा विभाग है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी है। जहाँ तक रही कि अलग अलग क्या है इनका फ्रैक्शन, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये दिया है कि इसमें दो सेक्शन टाइप के होते हैं, एक होते हैं उद्यम और दूसरा होता है जो उद्यम से अलावे जिनमें साधारण रूप में जो भी हैं जिनके पास वो शर्तें नहीं पूरा कर सकती हैं उसको भी, तो उसके लिए महोदय देखिए उद्यम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए अलग अलग है, तो माइक्रो में उन्होंने 26,921 दिया है और उसी प्रकार से स्मॉल में 7,011 दिया है और उसी प्रकार से UAP में भी 19,900 दिया है। कहने का मतलब अलग अलग दोनों में किया गया है। और महिलाओं का जहां तक सवाल है, वो उद्यम में 21.35% उनका इन्वॉल्वमेंट है और UAP में 63.11 उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हम महिलाओं को इस CM में आगे बढ़ाने की काम करते हैं। और बाकी माननीय सांसद जो सूचना मांगे हैं विशेष, और तो उसको हम इनको भिजवा देंगे। माननीय सदस्य, धन्यवाद मंत्री महोदय जी। महिलाओं के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। आधी आबादी कितनी इम्पॉर्टेंट है ये प्रधानमंत्री जी अपने हर कार्य में प्रदर्शित करते हैं, और ये जो नंबर बड़ा है तो मैं उनका और मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, हम यहाँ पर जो सभी साथी बैठे हैं उनके पास अर्बन और रूरल दोनों तरह के सेक्टर हैं, अगर हमें ये नंबर पता चल जाए कि अर्बन और रूरल में कितना नंबर रजिस्टर हुआ है, तो यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने में आसानी हो गई। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि वो MSME में रूरल और अर्बन पार्ट में कितनी महिलाएं, कितनी परसेंटेज में महिलाएं रजिस्टर हैं, ये हमें बताएंगे तो ये हमारे लिए आगे काम करने में, उनको प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, वो तो मैंने बता दिया इनको कि टोटल MSME रजिस्टर्ड में जो इम्प्लाइड हुए हैं और उसका रिपोर्ट है, उसके तहत जो 24/7/2024 से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया और यहाँ तक के ही किया गया है, उसमें नंबर भी मेरे पास है, वो उनको भिजवा देंगे। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, मैंने कह दिया कि टोटल परसेंटेज 38.80 है सबका, लेकिन जहाँ तक वुमेन का सवाल है तो वुमेन में दो भाग है, एक है उद्यम का तो उद्यम में 21.3% है और एक है UAP जो उद्यम में क्वालिफाइड नहीं करते हैं, जिसे पैन की ज़रूरत है या GST की बात होती है, तो बहुत छोटे छोटे लोग जैसे दर्जी का काम करते हैं और कोई छोटा छोटा काम करते हैं, उनके पास ये नहीं होता है, उनकी सुविधा के लिए भी हम लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उनकी संख्या ये 38.80 जो होल है, एज ए होल है, उसका 63.11 है, तो हम महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है इससे पता चलता है। महोदय बहुत अच्छा। श्रीमती अपरजिता सारंगी। The powerhouse of Indian economy. Reportedly, they account for about 11 crore jobs in the country and contribute 29% of the country's GDP. They not only fuel economic growth, but also serve as vital catalysts for inclusive development across various sectors. Sir, PM Modi's government talks of women-led development. I would like to know from Honorable Minister as to how many registered MSMEs are there in Odisha and in Bhubaneswar parliamentary segment, and what are the steps, concrete steps, initiatives of central government
being taken to ensure women participation in the MSME sector. Thank you. महोदय, हम अपने जवाब में बतलाने का काम किया है, जिसे पूछा गया है प्रश्न, तो उस प्रश्न के जवाब में ही हमने कहा है कि जहाँ तक महिलाओं का स्वामित्व वाले MSME का संख्या का सवाल है, समुच्चित भारत में 1,84,57,000 समथिंग है, उसमें हिमाचल प्रदेश में 83,834 है, जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है वो 6,96,559 है। और प्रश्न में ही पूछा गया था, एक मयूरभंज के बारे में पूछा गया था, तो मयूरभंज का भी मेरे पास है जो बता दिया है कि 35,935 है।